महामारी मार नहीं। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, किसको बनाएंगे करोड़पति? दिक्कत नहीं है, हम लोग तो हवा खा के जिंदा रह लेते। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, हराम का खाना खाते हैं। कल का दिन खत्म और अभी दूसरा दिन चालू। आज देखो ओपनिंग है मेरा, और देखो मेरी बीवी लंगड़ी हो चुकी है, सो लुकिंग फॉर न्यू बीवी। दूसरी औरत की तलाश है मुझे। ये अभी सर्विस सेंटर जाएंगी, मतलब अपने क्या बोलते हैं मायके, वहाँ यहाँ पे आती हैं, चल चल के जो है डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती हैं, फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। देखो टांग टूट जाता है, ये हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। एक्चुअली गाड़ी जितनी चलती है तो खराब हो जाती है, तो आप सर्विस सेंटर जाएंगी, वहाँ से रिपेयर हो के आएंगी फिर बाद में। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, हराम का खाना खाते हैं जितना खा सकते हो उतना। कहाँ जा रहे भैया अभी हम लोग, किस जगह पे? कृष्णा नगर में ओपनिंग है, वहाँ पे जा रहे हैं। चलो देखते हैं, बताते हैं सारा, वहाँ का शूट करते हैं और आज क्या क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, सब दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। केक खा और फिर वो खाने का गुटका बना छोड़कर वही चीज चाहिए। ये वीडियो ना सोहेल को भेज देना, उसको मालूम है सब। कभी कभी मुझे ही फोटो निकालने पड़ते हैं, आज ऐसे नहीं, कभी कभी शूट करो ना तो फिर ये समझ नहीं आता ये क्यों कर रही है, कौन देखेगा, फिर लोग यही देखते हैं, वही देखना है। लेकिन वो कैमरा में शूट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं कि भाई ये करो ऐसी, सबको मालूम है वो होगा, तो उसमें कोई व्यू नहीं आता है, वो सबको मालूम है। बट वो कॉमेडी करके थोड़ा सा कमर हिला दिया, थोड़ा सा वो कर दिया, लो भाई व्यू गया। मैं अभी देखो चलते चलते खा के आ रहे ब्राउनी वो मैं रात को लेकर रखा था, ब्राउनी खाते खाते आ गए। कल दिन भर में क्या खाया? कल दिन भर में मैंने क्या कल दिन भर में खाया था 4:30 बजे रात को, वड़ा पाव सुबह इवनिंग में। क्या खाया? मैं कोल्हापुर से आया ना कार लेके, वड़ा पाव खाया था कांदा भजी। उसके बाद रात को हमने खाया था, 4 बजे हम लोग पहुंचे ना। कोल्हापुर वाले का यही डाइट है क्या, बिना खाए पिए बदन इतना बड़ा बड़ा हो जाता है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब 2 मील खा के इतना वो करके इतना कुछ अचीव कर लिए, जब पूरी तरीके से करते हैं फिर तो लोग ओलंपिया ओलंपिया बोलते हैं। आप ही लोग गए होते गए नहीं आप, मजा मस्ती में बस खाली बॉडी बिल्डिंग की है। अच्छा हो गया ना, वहाँ पे जाके क्या खून कमा रहा है अभी, नहीं तो अभी बॉडी बिल्डिंग का मेन क्या रहता है? मेरा ये ऐसा रहता, प्रेप करता तो मैं कहीं जाता ही नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, घर पे बस खाओ सो ट्रेनिंग करो बस, बात खत्म। ऐसा करेगा तो फिर आगे का कैसे करेगा? बैक का जो डोमिनेशन अभी भी वैसा बैक मुझे नहीं देखने को मिलता, जो बैक में थिकनेस था, जो राउंडनेस था, हाथ इतना तगड़ा है आपका, एब्स बहुत अच्छे है, बस वही है कि लोअर बॉडी में बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग स्क्वाट्स वगैरह भी नहीं, 20 साल ट्रेंड नहीं किया मैंने ग्लूट लाइफ में अब तक, हैमस्ट्रिंग ट्रेंड नहीं किया मैंने। इसका प्रेप किया था 2014 का वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैंने वर्कआउट कितने मसल का किया था मालूम है? बैक, शोल्डर, चेस्ट और अपना आगे का मतलब क्वाड्रिसेप का, बस उसमें भी लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन इतना ही करता था काम, एक तो मैं स्क्वाट नहीं करता, डेडलिफ्ट भी नहीं करता। कोई मिला नहीं ना कराने वाला, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती। हां तो बराबर है सही बात, वो कर तू करना नहीं नहीं सिर्फ मेरा शादी हो गया था, ठीक है, तो मैं मेरे बच्चों का देखूं, बीबी का देखूं या फिर उसके पीछे भागूं। जब मैं कॉम्पीट करता हूं तो फिर
काफी ज्यादा वो बढ़ जाता है, मतलब अगर सोशल मीडिया वाला बोलेंगे तो अकाउंट एंगेजमेंट बोल लिए, सब कुछ बोल लिए, फिर जो भी ब्रांड है फिर वो भी अच्छे से प्रमोट होते हैं, फिर बिजनेस भी ऊपर आता है और इनकम होता है। थोड़ा मैं बताता हूँ भाई, हम सुबह उठे थे शो के 11 बजे, 1 घंटे में ट्रेनिंग करी, 1 बजे का टाइम था, एक बजे का टाइम था और मैंने कि चलो 1 बजे पहुँचना है, तो 1 बजे हम घर से निकले। मुझे पीयूष ने बोला कि नहीं महक भाई का मैसेज आएगा, राजू भाई नहा रहे हैं, मैंने कहा 1.5 घंटा मार के चलो। सिद्धांत के कारण हमें सब खाना जल्दी मिल रहा है, तो नितिन तो डाइट पे है, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ, सामने वाले खाए नहीं खाए, नहीं वो तो खाना खा के आया गाड़ी में है ना, तो खाना खा के खुद का कोच के लगे घूम रहा है, और हमें खाना भी खाने के टाइम पे बोल रहे की कुछ भी बोल दो करके, कुछ भी तो देखना, दाल दाल मखनी रखी है, चिकन चावल रायता, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी सब लोग एक साथ आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातें होनी चाहिए शेयर, तो खाते खाते भी शेयर हो सकती है। तो सिद्धांत भाई संभालो। क्या भैया, उसने भैया से पहली बार मिला, बाकी भैया से मिल चुका हूँ, मैंने कहा भी मिले, गाँव मिलेंगे आराम से, भी खाना फेस टू फेस भी पहली बार ही हुआ, अभी बहुत सारा बात करना है। ओपनिंग हो गया दो दो स्टोर का, और खाए भी नहीं है कुछ, तो चल रहे हैं ये लोग को खिला दे कुछ, सभी लोग तो खाने वाले हैं पूरी दुनिया में, खाए भी कुछ नहीं, तो ठीक है ये लोग नहीं खाएंगे, मैं बस खा लूंगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो हवा खा के जिंदा रह लेते हैं। ओके बाद में सवाल पूछ रहे थे, मतलब वो तो चैरिटी के लिए, तो वो उसमें आए होंगे ना, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं किसको बनाएंगे करोड़पति, उनके बच्चे कहाँ देंगे करोड़पति। केदारनाथ वाला सर्विस हो गया है था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन
80 प्लेट बर्तन है भाई, बहुत जमाने बाद थिएटर में जा रहे मूवी देखने। लास्ट जॉन विक देखी थी, अभी आ रहा है ये देखने। अरे Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. मालूम है ना, बंद रहने दो ना, थोड़ा मजा लेने दो। अब नहीं है। हाँ तो जानबूझ क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ब्रांड वैल्यू खराब हो रहा है भैया। देखो इतना इतना एक्सपेंसिव होटल है, उसमें रेडिशन का रेड तो हो गया, क्या 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 प्रोनाउंस करेंगे भैया। अरे कहना क्या चाहते हो। ओके गाइस, ये वाला वीडियो यहीं पैक किया जाए क्या? चलो इसको यहीं पैक करते हैं और कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। I will watch them all night.